डॉक्टर शिशिर पटेल आपका दोस्त, हेल्थ गाइड, हेल्थ मोटिवेशन स्पीकर, एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, लास्ट 4 साल से पटेल हॉस्पिटल वडोदरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑटोमेटिक बीपी मापने की मशीन कौन से कंपनी की यूज़ करना चाहिए और उसे एक्यूरेट रीडिंग के लिए उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे उसे कैलिब्रेट करना चाहिए, तो आज मैं आपको माहिती दूंगा कि वह मशीन को कैसे यूज़ करना है, कैसे उस मशीन को से बीपी मापना है। तो सबसे पहली चीज़, कौन से पेशेंट ने बीपी चेक करना चाहिए। 30 साल के बाद में हर नॉर्मल आदमी को भी हर साल में एक बार बीपी मापना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आपका जॉब स्ट्रेसफुल है तो भी आप रेगुलर बीपी माप सकते हैं। आपको अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ का बीमारी है तो रेगुलर बीपी मापते रहिए, क्योंकि कभी भी आपको बीपी का बीमारी आ सकता है। आपका वजन ज़्यादा है, ऐसे लोगों को रेगुलर बीपी चेक करना चाहिए। अगर आपको बीपी का बीमारी है तो थोड़ा रेगुलर चेक करना चाहिए। और बाकी जो मैंने नॉर्मल पेशेंट्स बोले, जिनको बीपी का बीमारी नहीं है, वह महीने में एक बार, 3-6 महीने में एज पर रिक्वायरमेंट वह बीपी चेक कर सकते हैं। यह सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी चीज़ कि जब आप बीपी चेक करते हो उसके पहले प्री रिक्विजिट क्या होती है, प्री रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर जब भी आपको बीपी चेक करना है उसके पहले दिन आपकी नींद प्रॉपर हुई होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जब भी बीपी चेक करने जाते हो उसके 4 घंटे में चाय, कॉफ़ी, दारू, सिगरेट, तम्बाकू, ऐसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। इन चीज़ों का सेवन करने से बीपी ज़्यादा आ सकता है। एक्सर्सन करने के बाद में बीपी मत चेक कीजिए, और अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रेसफुल है तो ऐसे कंडीशन में बीपी मत चेक कीजिए। इतने प्रीरिक्विजिट्स के साथ में जब भी आपको बीपी चेक करना है तो सबसे पहले कि पेशेंट की पोजीशन, कौन से पोजीशन में चेक करना चाहिए। आइडियली आपके घर पे आप बैठे बैठे ही चेक कीजिए। जैसे कि मैं अभी मेरे कुर्सी में बैठा हूँ, प्रॉपर मेरा हाथ मैंने यहाँ पे रेस्ट करके रखा है, पीठ को मैंने रेस्ट दिया है और सर को ऐसा रेस्ट दिया है। यह आइडियल पोजीशन में बीपी चेक करना है। और पैर लटकते भी मत रखिए और पैर फोल्ड भी मत कीजिए। नॉर्मल ज़मीन पे पैर रख दीजिए अनफोल्डेड, और उस पोजीशन में आपको बीपी चेक करना है। अभी एक बार आप कंफर्टेबल एक चेयर में 15 मिनट के लिए बैठ गए, वह 15 मिनट के बाद में आपको बीपी चेक करना है। जैसे कि मेरे पास ये ऑटोमेटिक मशीन पड़ा है, अब इसमें एक कफ होता है और दूसरा होता है बीपी मापने का मशीन। अब यह मशीन में यह जो कफ है इसे कैसे बांधना है, काफ़ी लोगों का गलतियाँ इसमें ही होती है। आप अगर कफ प्रॉपर ना बांधो तो उसमें वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। यह कफ के अंदर एक बलून होता है, रबर का बलून। इसमें सिलाई जो मारी होती है यह कप पे, यह सिलाई से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ तक यह कप में बलून है इतने साइज का। तो यह बलून का आप सेंटर लीजिए, जैसे कि यह सेंटर है। यह कोई भी बीपी इंस्ट्रूमेंट में जो कप है उसके बलून का जो सेंटर है, वह सेंटर आपके हाथ का जो सेंटर है ऐसे यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। आधा बलून ये साइड में, आधा बलून ये साइड में। और जब भी आप कप फिट करोगे हाथ में, तो हाथ में फिट करने के बाद इतना ही फिट कीजिए कि आपकी जो फिंगर है वह थोड़े प्रेशर से इजीली अंदर जा सके। बहुत टाइट भी नहीं बांधना है, बहुत ढीला भी नहीं बांधना है। और यह बांधते वक्त याद रखिए कि 3 फिंगर हाथ के, हाथ जहाँ से हम लोग मोड़ते हैं उससे 3 फिंगर ऊपर इसे बांधना है। और प्लीज़ आपका जो शर्ट है या टी शर्ट है, जो भी आप पहनते हैं, उसे फोल्ड करके ऊपर मत कीजिए। जैसे ही वह यहाँ पर टाइट हो जाता है उससे भी बीपी बढ़ता है आपका। और हाथ को ऐसे आप रेस्ट कर दीजिए कोई भी टेबल के ऊपर जहाँ पे आपको बीपी चेक करना है। और हाथ को रेस्ट करने का प्लीज़ मुट्ठी मत बांधिए, मुट्ठी खुली रखिए। और यह ऐसा आप प्रॉपर कुर्सी में रेस्ट करते हुए आप बीपी चेक कर सकते हो। अभी सिंपल है कि मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया है तो बीपी कितने बार चेक करना चाहिए। आइडियली मैं मेरे पेशेंट्स को ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि 2 बार बीपी चेक कीजिए, दोनों का एवरेज लीजिए, 2 रीडिंग्स का एवरेज। आपके मर्क्यूरी के इतना एक्यूरेट आ जाता है, इसलिए 2 रीडिंग्स लेना है। और अभी रीडिंग्स लेने के बाद में उसे असेस कैसे करना है। जब भी आपको बीपी असेस करना है तो आपका जो भी रीडिंग्स है उसको कैटेगराइज करना है। समझ लो, आप अगर नॉर्मल पेशेंट है तो आपका बीपी 120/80 के नीचे होना चाहिए। और आपको अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो 140/90 के नीचे होना चाहिए। अभी समझ लो कि 120/80 से 140/90 के बीच में कोई नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर है, जिनको बीपी का बीमारी नहीं है, तो उसे हम लोग प्री हाइपरटेंशन कहते हैं।
ऐसे पेशेंट्स को फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग तभी से पेशेंट को लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की सलाह देते हैं कि आप ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, वहाँ से आप रिवर्स हो सकते हो। एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए आप वहाँ से रिवर्स नहीं आ सकते हो, नॉर्मल नहीं हो सकते हो। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि बीपी आप नाप के चेक कर लीजिए कि आपका बीपी 120-80 से नीचे है, बीच में है कि हाइपरटेंसिव है। अगर आपका बीपी 140-90 से ज़्यादा रहते तो डॉक्टर को कंसल्ट करके बीपी की गोली ले लीजिए, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बस इस टाइप से आप बीपी चेक करके उसे असेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने से उनको बचा सकते हैं। एटलीस्ट सभी को नहीं, आपके प्रियजनों को भी भेजोगे तो भी किसी के काम लग सकता है।